क्या करें जी, मेरे को दुकान सजानी पड़ती है और मैं अगर मैं पीछे बैठ जाता हूँ आज ये कस्टमर बिना देखे दुकान पे नहीं आएगा। हाँ। मेरे को मजबूर उधर से आओ भगत सिंह चौक की तरफ से, आपको मेरी दुकान दिखेगी ही नहीं, ना मेरी दिखेगी, ना हमारे पंडित जी की, ना ही अन्नपूर्णा स्टोर। क्या हम इंसान नहीं है? अगर हम आपको हाथ जोड़ते हैं तो आप मेरी बात सुनते नहीं हो। आप कहते हो जो करना है कर लो, ठीक है मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, बदमाश तो, अगर मैं बदमाश होता तो सिर पाड़ देता इनके। अब तक मैं क्या भाई, आप दो है ना, आप आते हो वार्निंग दे के आओ ना, सब ने बेरे लग जाए अंदर बग जाए हैं। आप एक दिन दो ना एक बजे आओ, बिना वार्निंग के आओ, करो कितने चलान करोगे? वो अपना चुप रहा अपना बेचारा, वो भी बग गया। फिर पीछे कौन हटे है? ये हटे है नहीं, प्रशासन पीछा हटा ही है, क्या वास्ते पीछा हटे? रोडा जी खिलौने वाले की दुकान है यहाँ पर, तो बात करें अतिक्रमण की तो आप तो खुद ही चोर हो। मेरे को मजबूर किया गया सर, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैंने बहुत आवाज उठाई, जब मेरे को लगा कि मेरी आवाज की कोई वैल्यू नहीं है तो मैं उनसे आगे आऊंगा। जब प्रशासन को जरूरत होगी मेरे पास आ जाएगा, बस मेरा जो मर्जी करो, पहले मेरे से कार्रवाई करो आप। जब ये मैंने दुकान बनाई, मैंने सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि आप अपने ऊपर वाले शेड छोटे कर लो और थोड़ा थोड़ा सामान आगे अंदर रखो ताकि मैं भी अपना सामान लगा सकूं, लेकिन इन्होंने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया और मेरे को लड़ने लगे। फिर मैं अपनी एप्लीकेशन लेके गया नगर पालिका के पास, वहाँ पे एक अफसर जी थे शर्मा जी, तो मैं उनके एक महीना चक्कर काटता रहा। उन्होंने ना तो मेरे को अच्छा जवाब दिया और लास्ट में कुछ ऐसे शब्द बोले कि मेरे को अपनी दुकान के आगे 15 फुट का शेड लगाना पड़ा। इस मार्केट में सबसे बड़ा शेड मेरा है। राम जी भी आए थे, मैंने तो उनको बोला था एमएलए साहब का, एमएलए साहब जो कुछ करवाओ इसका, वो एक आम सीधा भाई गिल्ला उसके, वो बोले अंकल जी सारे भाईचारे क्या क्या ना रोला पड़े। सीधी रेलवे गेट से लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, रेलवे गेट से यदि बात करें तो हर दिवाली से पहले कार्रवाई होती है अतिक्रमण की, और आप भी देख भी रहोगे त्योहारों का सीजन है, लेकिन अतिक्रमण दिखा दें आपको, जितनी दुकान अंदर है उतनी ही बाहर सड़क पर आपको सामान दिखाई देगा। बात भी कर लें, यहाँ पर दुकानदारों ने कहा है कि हम सीएम विंडो भी लगा चुके हैं, कमेटी में भी जा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई इसकी सुनवाई नहीं। एक बार बातचीत कर लेते हैं दुकानदारों से। नमस्कार, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी, कपड़े की मैं कपड़े काम करता हूँ जी। मेरी दुकान जाए जी, उससे आगे जो है ना बराबर वाले 25-25 फुट बाहर बैठे हैं जी। मेरी दुकान की कोई वो नहीं, कमेटी में जा लिए कहीं भी जा लो कोई कार्रवाई नहीं। जब कमेटी वाले आते हैं इनमें पहले टेलीफोन आ जाए या अपना सामान ठहरा अंदर रख ले, कमेटी वाले बाहर निकल जाए। कमेटी वाले कुछ सेटिंग है इनकी, सेटिंग होगी जो इन्हें पहले बेरे लग जाए, उनके आने से पहले जो है ना जी इनको पता लग जाता है भी कमेटी वाले आने लग रहे हैं। जिस टाइम कमेटी वाले आवे जी इनके सामान सबके अंदर हो। सेटिंग किससे आपकी है मतलब? देखो जी इनको तो ये जाना और मैं जाना है, कोई कोई मेरे पैसे या प्रूफ है नहीं, मैं कुछ दे मैं ले मैं के करा या भी उसका कुछ भी हो उसका है। अच्छा, यदि हिंदुस्तान है कुछ भी हो उसका जी। लेकिन ये बात पक्की है भाई इनका कुछ नहीं बिगड़ता। मैं गए दोबारा वही का वही सांगा 25-25 फुट भर बार है। पिछली बार दिवाली के जब टाइम था तो यहाँ पर SHO भी आए थे अतिक्रमण हटाते हुए, मैंने उनको भी बोला था, मैंने उनको बोला सर आप दो मर्जी कर लो, ये नहीं पीछा हटेंगे बिल्कुल भी। मगर मैं क्या अभी आप दो है ना, आप आते हो वार्निंग दे के आओ ना, सब ने बेरे लग जाए अंदर बग जाए। आप एक दिन दो ना एक बजे आओ, बिना वार्निंग के आओ, करो कितने चलान करोगे? वो अपना चुप रहा अपना बेचारा, वो भी बग गया। फिर पीछे कौन हटे है? ये हटे नहीं, प्रशासन पीछा हटा ही है, क्या वास्ते पीछा हटे? प्रशासन हटा पीछा तो ये थोड़ी पीछा हटा है, ये तो अपना एक बार हट गए फिर अपना न्यू का न्यू काम। कहाँ तक निकाल दे लिया आपने शिकायत की बात करें तो? नहीं ऐसा है सर, मैं तो कमेटी तक ही गया हूँ, अब कोई नहीं गए। हाँ यार, लेकिन सेम विंडो में अप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद देखो भी कार्रवाई होगा कि नहीं होगा। कितने साल से देख रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ 15 साल से हूँ। और ये अतिक्रमण भी? अतिक्रमण भी नहीं चल रहा, दस एक साल तो घना ही ज्यादा है। हाँ, लीला राम भी आए थे आपकी? लीला राम जी भी आए थे, मैंने तो उनको बोला था एमएलए साहब का, एमएलए साहब जो कुछ करवाओ इसका, वो एक आम सीधा भाई गिल्ला उसके, वो बोले अंकल जी सारे भाईचारे क्या ना रोला पा रहे हो। क्या नाम है भाई? राकेश कुमार अरोड़ा जी। किस चीज की दुकान है? मेरी खिलौने की दुकान है जी। अच्छा। ये दुकान मैंने 4 साल पहले बनाई थी। अच्छा। जब ये मैंने दुकान बनाई, मैंने सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी। हाँ। कि आप अपने ऊपर वाले शेड छोटे कर लो और थोड़ा थोड़ा सामान आगे अंदर रखो। अच्छा। ताकि मैं भी अपना सामान लगा सकूं। लेकिन इन्होंने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया और मेरे को लड़ने लगे। फिर मैं अपनी एप्लीकेशन लेके गया नगर पालिका के पास, वहाँ पे एक अफसर जी थे शर्मा जी,
तो मैं उनके एक महीना चक्कर काटता रहा। उन्होंने ना तो मेरे को अच्छा जवाब दिया और लास्ट में कुछ ऐसे शब्द बोले कि मेरे को अपनी दुकान के आगे 15 फुट का शेड लगाना पड़ा। इस मार्केट में सबसे बड़ा शेड मेरा है, अच्छा। तो मैं ही गुनाहगार हूँ। एक बार दिखा भी दें, दिखा भी दें। तो अरोड़ा, अरोड़ा जी खिलौने वाले की दुकान है यहाँ पर, तो बात करें अतिक्रमण की, तो आप तो खुद ही चोर हो। मेरे को मजबूर किया गया सर, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैंने बहुत आवाज उठाई, अच्छा। जब मेरे को लगा कि मेरी आवाज की कोई वैल्यू नहीं है तो मैं उनसे आगे आऊंगा। जब प्रशासन को जरूरत होगी मेरे पास आ जाएगा, बस मेरा जो मर्जी करो, पहले मेरे से कार्रवाई करो आप। अगर आपको लगता है मैं, यदि आप लगता है आप नायक भाई, तो यहाँ से स्टार्टिंग करो और दूर तक लेके जाओ। मैं चाहता हूँ मेरा शहर, मेरी मार्केट बहुत अच्छी दिखे, साफ सुथरी दिखे। हम सामाजिक आदमी है, ये तो चूहे बिल्ली वाला खेल है। बिल्लियां आ गई तो चूहे अंदर बढ़ गए, बिल्लियां चली तो चूहे बाहर आ गए। सेटिंग की बात करें तो फोन कहाँ से आता है, कैसे सिस्टम बना रखे हैं? मैं वही बात कह रहा हूँ जी, हर बंदे का देखो, किसी को जो चाहिए उसी के साथ सेटिंग है। कपड़ा है तो कपड़े के ले लिए, जो मर्जी ले अगले। मैं इस बारे में क्या किसी संज्ञान दूं? यू इंडिया अजगाड़ का सारा चल रहा है। मैं तो बहुत कहता हूँ जी, अब क्या करें जी, मेरे को दुकान सजानी पड़ती है। अब मैं अगर मैं पीछे बैठ जाता हूँ, आज ये कस्टमर बिना देखे दुकान पे नहीं आएगा। मेरे को मजबूर, उधर से आओ भगत सिंह चौक की तरफ से, आपको मेरी दुकान दिखेगी ही नहीं, ना मेरी दिखेगी, ना हमारे पंडित जी की, ना ये अन्नपूर्णा स्टोर। क्या हम इंसान नहीं है? अगर हम आपको हाथ जोड़ते हैं तो आप मेरी बात सुनते नहीं हो। आप कहते जो करना कर लो, ठीक है। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, बदमाश तो, अगर मैं बदमाश होता तो सिर पाड़ देता इनके। आप तक मौजूद है, नमस्कार। आप यहाँ से कोई दुकान है या वैसे? नहीं, बस हम तो ये सारी अपनी है, अपनी है सारी। कैसा देखते हो, क्योंकि अतिक्रमण है, कैसा देखते हो? ज्यादा आगे बढ़ो है, काम गलत है, गलत है। प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? सामाजिक कमेटी वाले बहुत ये निकाल दें, फिर ठा लें, फिर बाहर आ जाए प्रशासन कर। ये तो कोई इसका तरीका बनना चाहिए सबके लिए बराबर, एक के लिए नहीं। एक मेन विषय और है सबके लिए। एक मेन विषय है कि हमारी जो सीवरेज की प्रणाली है उसके आगे भी 8-8 फुट के लेंटर पड़े हुए हैं, 8-8 फुट के लेंटर सड़क के ऊपर, सड़क के ऊपर 8 फुट और 1.5 फुट ऊंचा लेंटर डाल के गद्दियों तक बाहर आई हुई, मतलब सीवरेज भी डब, कोई सिस्टम नहीं। हमारा एक हटे, ये हमारा शहर एक ऐसा है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जहां मर्जी जाए दुकान लगा के बैठ जाए, जहां मर्जी जाए खड़ा कर दे, कोई सिस्टम ही नहीं है प्रशासन का। आपका नाम? लालचंद। लालचंद जी, दुकानदार हो यहाँ या? पहली पहली शॉप है, भी यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, लेकिन हम रोज किसी से लड़ नहीं सकते। तो आपने नहीं कदे सोचे भाई लकीर, आप भी बड़ी लकीर कहाँ से लो? ना, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है जी, मैं इतना नहीं कर सकता, इतना दम नहीं है मेरे अंदर। ये अभी ये हट जाएंगे तो हम इनके साथ है, हटाने में इसका सहयोग कर रहे हैं, अभी सबके साथ, सभी को सुविधा हो, उसमें आप लोग भी हो, एक आम जन हो, आप भी, हम भी आम जन है, ऐसी सुविधा होगी जितनी आपको होगी जितनी हमारे को होगी, तो वो हम चाहते हैं हर एक के लिए ही खुला हो। 15 फुट यदि सामान बाहर आ गया, और फिर उसके आगे बाइक भी लगेंगे, गाड़ियां भी लगेंगी, फिर आगे तो फिर रास्ता, तो फिर इसके लिए प्रशासन ही कर सकता ना जी। हमारे कहने से तो ये भाई सब खड़े हैं, इनको कहते हैं, कहते आगे वाले को कहो, और कहते आगे वाले को कहो, और कहते आगे वाले को कहो, कितने आगे वालों को कहें? शेड की एक लिमिट है 2 या 3 फुट, अगर हम 15-15 फुट के शेड लगाएंगे तो एक्चुअली 20 फुट का माल भी आगे जाएगा। 15 फुट का शेड आ गया, उसके आगे भी 5 फुट का माल आ गया, तो एक्चुअली 20-25 फुट का अंतिम वर्ण होगा।